So what's cracking SPS Cars family? How are you guys? Welcome back to my channel SPS Cars. And I'm Shmin Pratap Singh and I'm back again with another fresh video. और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं related to the 7 upcoming CNG cars in India in 2022. यानी कि 2022 में इंडिया में कौन सी वो 7 अपकमिंग, वो भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अपकमिंग सीएनजी कार्स होंगी जो कि आने वाली है, लॉन्च होने वाली है. बहुत ही कम टाइम रह गया उनके लॉन्च में, तो वो उन सब 7 कार्स के नेम मैं बताऊंगा और थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगा कि कौन से वेरिएंट में आप देख सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइसिंग एंड द पावर में. सो अगर आपको भी जानना है वो कौन सी 7 कार्स हैं, एंड ये भी बता देता हूँ वो हर सेगमेंट में है, एमपीवी में भी है, सीएनजी में भी है, मिड साइज में भी है, सब कॉम्पैक्ट में भी, तो सेगमेंट की कमी नहीं है. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बस उससे पहले कुछ कहना है कि अगर आपको भी समझ में नहीं आता कि कौन सी कार आपको परचेज करनी चाहिए या थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन चलते हैं आपके माइंड में, सो नो नीड टू वरी गाइस, यूज आर एसपीएस कार्स कंसल्टेंसी सर्विस. आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सअप करें हाई ऑन द गिवन व्हाट्सअप नंबर जैसा कि स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है. आपको वहां पर एसपीएस कार्स का कंसल्टेंसी फॉर्म मिलेगा, उस पर क्लिक करें, ओपन होगा, वो फिल आउट करें. ये एक पेड सर्विस है, तो आपको एक अफोर्डेबल प्लान चूज करना होगा एंड सबमिट कर देना है. उसके बाद आपको पेमेंट मेथड पता चलेगा, देन आई विल कनेक्ट विद यू एंड हेल्प करूंगा टू चूज द बेस्ट कार फॉर योर फैमिली इन योर बजट. नाउ लेट्स बिगिन आवर वीडियो एंड लेट्स सी व्हिच आर द 7 अपकमिंग सीएनजी कार्स इन इंडिया इन 2022. सो लेट्स गो. सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो बात करते हैं ऑफ द वेरी फर्स्ट कार जो कि हमारी दी मारुति सुजुकी ब्रेजा. वेल, द 2022 ब्रेजा में ना सिर्फ आपको डिजाइन एंड द फीचर्स अपडेट देखने को मिलेगा, बट एक सीएनजी वेरिएंट का भी इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा. मोस्ट प्रोबेबली ये जो हमारी हो सकती है इन द एलएक्सआई और द वीएक्सआई ट्रिम, इन्हीं दो ट्रिम में आपको सीएनजी किट देखने को मिलेगी विद 1.5 लीटर का जो के सीरीज पेट्रोल यूनिट है, उसी के साथ आपको सीएनजी फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट देखने को मिलेगी. रेस्ट सीएनजी के अलावा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा. प्राइसेस की बात करते हैं तो बेस ट्रिम में, तो उसमें अगर मैं स्टैंडर्ड पेट्रोल ओनली मॉडल से देखूँ तो उससे ऑलमोस्ट 20-30 या 40,000 तक मैक्स जो है डिफरेंस आ सकता है उनकी प्राइसेस में. तो ये तो हमारी सीएनजी की हो गई. ये बता देता हूँ कि अगर आप पेट्रोल वाली लेते हैं कार, सिर्फ पेट्रोल ओनली, तो उसकी पावर ज़्यादा होगी इसी इंजन के साथ इन कंपैरिजन टू दी सीएनजी किट वाली जो वेरिएंट है, उसमें जो है स्लाइटली लेस पावर होगी इन कंपैरिजन टू दी स्टैंडर्ड मॉडल. सो ये द फर्स्ट कार हो गई. बात करते हैं ऑफ द सेकंड. तो सेकंड है द मारुति सुजुकी बलेनो 2022 मॉडल. वेल या 22 न्यू जनरेशन बेसिकली जो बलेनो है वो लॉन्च हो गई इंडिया में. बहुत सारे फीचर्स हैं, बट एक और जो पार्ट रह गया था वो होता है सीएनजी किट का. तो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट भी आपको देखने को मिलेंगी विद द सेम 1.2 लीटर का के सीरीज पेट्रोल यूनिट, जो कि आपको बेसिकली देखने को मिलता है ऑन द डिफरेंट कार्स. अगर मैं बात करूँ जो भी सीएनजी के साथ आती है, तो उनमें भी आपको वही किट देखने को मिलती है जो इस पे देखने को मिलेगी. एंड इधर बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें पावर थोड़ी बहुत ही डिफरेंस क्रिएट होगी. अगर मैं पावर की बात करता हूँ तो समथिंग अराउंड 80 BHP तक की पावर जो है चंस आउट करेगी द सीएनजी ट्रिम. ओके, तो ये बलेनो हो गई हमारी. अगर आप बात कर रहे हैं तो वेरिएंट कौन सा होगा, तो ये टॉप एंड ट्रिम में तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, मे बी इन द हमारे डेल्टा ट्रिम हो गई, जेटा हो डेल्टा हो गया या सिग्मा ट्रिम में आपको देखने को मिलेगा. अब बात करते हैं ऑफ द थर्ड कार, तो वो है द टोयोटा इनोवा क्रिस्टा द MPV. वेल, इसकी बात करते हैं तो बहुत जगह देखी गई है इसकी टेस्टिंग होते हुए. अब इसमें भी एक अपडेट आपको देखने को मिल सकता है इन द वेरिएंट कि आपको जी ट्रिम जो है उसके साथ देखने को मिल सकता है द सीएनजी ट्रिम सीएनजी किट, वो भी फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट होगी. एंड ये बता देता हूँ कि ये आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द ब्रांड एंड ऑन द जी ट्रिम. इसकी प्राइसेस में मे बी 80,000 to 1 lakh के बिटवीन में अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंस क्रिएट होगा देन दी पेट्रोल ओली जो मॉडल होगा उसके. और ये बता देता हूँ 2.7 लीटर का जो हमारा गैसोलीन इंजन है 4 सिलेंडर, उसी के साथ ये किट देखने को मिलेगी. सो ये हमारा इनोवा क्रिस्टा का अपडेट हो गया. अब बात करते हैं ऑफ द नेक्स्ट कार. अब बात करते हैं ऑफ द फोर्थ कार, वो भी एमपीवी है एंड वो है द ह्यूंडई एल्कांसर एंड द किया करेंस. वेल, अगर मैं बात करता हूँ करेंस एंड एल्कांसर की, दोनों ही एमपीवी हैं, 7 सीटर कार्स हैं. इनके सीएनजी ट्रिम्स भी टेस्ट होते हुए दिखाई दिए हैं एंड ये कंफर्म नहीं है प्राइसिंग क्या होगी, क्या होगी डिटेल्स, ये कुछ भी नहीं अभी तक आया है कंपनी से, कुछ भी डिटेल नहीं है, बट टेस्ट होते हुए दिख गई है और इससे कंफर्मेशन होती है कि डेफिनेटली सीएनजी ट्रिम तो आएगा. अभी और डिटेल के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. तो एक ये हमारी फोर्थ कार हो गई. फोर्थ में ही अगर मैंने एक ही साथ मर्ज कर दिया क्योंकि बेस्ड ही एक दूसरे पे हैं. अगर बात करते तो एल्कांसर एंड करेंस
ब्रांड की जो पार्टनरशिप है, ओनरशिप है, वो एक ही के पास है, तो वो उस अकॉर्डिंगली मैंने मर्ज किया है। बाकी बात करते हैं ऑफ द नेक्स्ट का, जो कि माई फिफ्थ है। फिफ्थ की बात करते हैं तो वो है द हायुंडा वेन्यू। वेल, हायुंडा वेन्यू का तो एक फेसलिफ्ट वर्जन आएगा, डेफिनेटली नो डाउट वो आने वाला है। बट यहाँ पे एक और चीज़ अपडेट है कि सीएनजी के साथ भी आ सकता है वो ट्रिम। वर्ड्स नहीं है अभी तक, कोई भी ऑफिशियल्स ने नहीं कहा है कि ये आएगा, लाइक फ्रॉम दी हायुंडा इंडिया। अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, बट वी एक्सपेक्ट कि आ सकता है द सीएनजी ट्रिम ऑफ दी हायुंडा वेन्यू। सो हमने बात कर ली ऑफ द टोटल 6 कार्स। अगर मैं बात करता हूँ, ब्रेजा हो गई, बलेनो हो गई, इनोवा क्रिस्टा, देन अल्काजर, और हो गए हमारे द करेंस, एंड ये जो हमने बात की अभी ऑफ दी वेन्यू। अब बात करते हैं ऑफ दी सेवन, दैट इज द लास्ट कार, जो कि हमारी दी टाटा पंच। वेल, टाटा पंच लॉन्च हो गई है एंड बहुत अच्छी सेल्स चल रही है उसकी। एंड पंच की बात करते हैं तो पंच जो है अब सीएनजी ट्रिम भी आपको देखने को मिलेगा विद 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल यूनिट, जो कि आपको बेसिकली देखने को मिलता है पेट्रोल ओनली कार है। बट ये बता दे तो सिर्फ मैनुअल ट्रिम के साथ ही पंच में आपको देखने को मिलेगी द फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट। एंड पावर की बात करते हैं तो स्लाइटली लेस होगी देन दी एक्सपेक्टेड, मतलब जो कि करंट ऑन गोइंग मॉडल है। अगर मैं बात करता हूँ उसकी कंपैरिजन में, तो कुछ ना कुछ पावर एंड द टॉर्क आउटपुट कम होगी। एंड इधर कॉमन क्या है, ये जो 7 कार्स हमारी लॉन्च होंगी सीएनजी में, तो ये 7 कार्स में आपको सिर्फ पावर में थोड़ा सा स्लाइटली लेस देखने को मिलेगा, एंड कुछ मैनुअल ट्रिम के साथ ही देखने को मिलेगी ऑन दी बेस ट्रिम। सो ये 7 कार्स अपकमिंग जो पॉपुलर कार्स हैं, इन सब में आपको देखने को मिलेगी द सीएनजी किट। अब आप कौन सी कार के सीएनजी मॉडल का वेट कर रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये थी माय द कंप्लीट वीडियो ऑन द 7 अपकमिंग कार्स इन द विद द सीएनजी किट इन इंडिया 2022। वेल, ये थे माय द कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो क्लिक कर दें लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल फ्रेंड्स, एंड क्लिक कर दें रेड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन, सो दैट कोई भी अपडेट आती है ऑन एनी ऑफ द सीएनजी का तो वो जो है आपको मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।